अब हमने करने प्रैक्टिस क्वेश्चन केस स्टडी एंड असर्शन रीजन टाइप। वहां बैठो, उधर चले जाओ। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है मिरर्स पे, ठीक है। इफ यू वांट मी टू रीड इट, आई एम रीडिंग इट। जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है गर्ल्स, सुनो। द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप के स्टडी क्वेश्चन है, सुन लो पहले। पैराग्राफ दिया हुआ है, द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। When the image is formed on the screen, image is real. And when it does not form on the screen, image is virtual. When two reflected rays meet actually, the image is real. And when they appear to meet, the image is virtual. Case study hai. कंकेव मिरर, फिर कन्वेक्स मिरर की नेचर बताई हुई है। कंकेव मिरर फॉर्म्स बोथ रियल वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स मिरर ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्वेश्चन है, फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ अ कंकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज, ऑप्शंस आपने मेरे को आंसर बताना है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, smaller than the object, same size as the object, highly enlarged, same size, क्योंकि object कहाँ पे रखी गई है, at center of curvature, object is kept at center of curvature. Second question is, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be plane, concave, convex, either plane or convex. क्यों plane, क्यों last option क्यों नहीं? Last है either plane or convex. Either plane or convex. आप जहां मर्जी खड़े हो जाओ, convex mirror के आगे भी image virtually में क्या? Size क्यों? Size की जरूरत ही नहीं है। साइज नहीं गिवन, फिर प्लेन और कन्वेक्स दोनों होंगे। अगर उन्होंने कहा होता कि सेम साइज है, फिर प्लेन होता। एक टाइम पे एक बोलो। हाँ जी, नहीं कन्वेक्स भी आ सकता है, इसलिए वो दी होगी। हाँ, ओपेक, ओपेक इमेज। ओपेक का मतलब क्या है? इमेज तो आपकी वही होगी ना। हाँ, वो तो ओपेक ही होती है, जैसे कैंडल की इमेज बनी हो। तो इमेज के लिए वैसे ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। दिखाओ क्वेश्चन एग्जैक्ट। अ चाइल्ड, थर्ड क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक मिनट, मैं फर्स्ट बेंच खाली कराया हुआ है। She finds the image of her head bigger, middle portion of her body of same size, and that of the leg smaller. The following is the order of combinations of magic mirror from the top: plane, convex, and concave. क्या है कि एक child है, वो magic mirror के आगे खड़े होता है, उसको head big लग रहा है, middle portion same size का लग रहा है, legs जो है वो स्मॉलर लग रही है, कि क्या ऑर्डर है मिरर्स का। ये तो आपको पता लग गया कि ये तीन मिरर्स का मिक्सचर है, ठीक है, पर ऑर्डर क्या है, अब ये बताओ। प्लेन, कन्वेक्स, कनकेव, कॉन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, कनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स। हाँ, थर्ड ऑप्शन है कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स। कनकेव फॉर्म्स बिगर इमेज, प्लेन फॉर्म सेम साइज ऑफ इमेज, कन्वेक्स फॉर्म स्मॉलर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर विवान देगा। टू गेट, सुन लो ध्यान से, टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वन कैन यूज, ऑप्शंस आर कन्वेक्स मिरर बट नॉट अ कनकेव मिरर,
concave mirror but not a convex mirror, either a convex mirror or a concave mirror, and plane mirror. आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, कौन सा मिरर? कौन सा? बी होगा, हाँ बी होगा. सेकेंड होगा अ कनकेव मिरर बट नॉट अ कन्वेक्स मिरर. कनकेव मैग्नीफाइड बना सकता है, कन्वेक्स नहीं बना सकता. प्लेन क्यों नहीं होगा तुम बताओ? क्योंकि वो सेम साइज की इमेज बनाता. A convex mirror has wider field of view because image formed is much smaller. तुमने बताना है आंसर दक्ष. Convex mirror has wider field of view because options are image formed is much smaller than the object and large number of images can be seen. B is image formed is much closer to the mirror. C is both A and B and D none of these. Both A and B आएगा इसका. B है image formed is much closer to the mirror. आपने देखा उसके ऊपर लिखा भी होता है objects in the mirror are closer than they actually appear, है ना लिखा. Next आपका case study question है lens के ऊपर. वैसे ही paragraph दिया हुआ है lens के ऊपर, आप question सुन लो. तुमने बताना है आंसर. द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इज. कोई और नहीं बोलेगा. ऑप्शंस आर एट फोकस, एट 2f, एट ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन f एंड 2f. एट फोकस, एट 2f, एट ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन f एंड 2f. Focus at focus. When the object is at infinity, image is formed at focus. Yeah, रख दो. Second question. Second question का answer Raina आप दोगे. When the object is placed at the focus of concave lens, सुन रहे हो? The image formed is real and smaller, virtual and inverted, virtual and smaller, real and erect. Virtual and smaller. Virtual and smaller आएगा ना? रख दो यहाँ. हाँ पेन रखो यहाँ पे. पेन रख दो. जिया धवन. The size of image formed by convex lens when the object is placed at the focus of convex lens is small, point in size, highly magnified, same as that of object. Yeah, small, point in size, highly magnified, same as that of object. Point in size. Point sized image बनती है. गीतांशु, next question for you. When the object is placed at 2f in front of convex lens, the location of image is, options are at f, at 2f on the other side, at infinity, between f and optical center. Question है, when the object is placed at 2f in front of a convex lens, the location of image is what? No, focus पे थोड़ी बनती है. जब ऑब्जेक्ट 2f पे होती है इमेज कहाँ बनती है? 2f on the other side लिखा हुआ है ना, वो वाला बी पार्ट आंसर है इसका. 2f on the other side. Next question for Akshit. At which location of object? At which location of object in front of concave lens, the image between focus and optical center is formed. कौन सी location के लिए image focus और optical center में बनती है concave lens के लिए? Options are anywhere between center and infinity, at f, at 2f, at infinity.
एनीवेयर बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी, क्योंकि हमने केस किया था ना कंकेव लेंस का, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स, कहां पे भी मर्जी रख दें, इंफिनिटी से लेके लेंस के सेंटर तक जहां मर्जी रख दें, इट विल ऑलवेज फॉर्म सच काइंड ऑफ इमेज। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए अब हम करते हैं assertion reason questions। लिखो, कॉपी पे लिखना है assertion reason। मैं ऑप्शंस लिख रही हूं, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। यहां आ जाओ, ये इसी ऑर्डर में होंगी हमेशा। ए मतलब असर्शन, आर मीन रीजन। चलो ये लास्ट तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ये तो लग रहा है कि ये ऑप्शन होता है कई बार, होता है। चलो क्वेश्चन है असर्शन, लिखो सब, ये लिखना है आपने असर्शन। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रीजन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, फॉर्म्स अ, उससे पूछा है वो बताएगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। हाँ जी, फॉल्स कैसे? कोई और बच्चा? मतलब बी आएगा? नो, आंसर इज ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स आल्सो, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए आल्सो। देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर होते हैं, ये उसका मिरर का पार्ट नहीं होता, स्फीयर का पार्ट होता है, स्फीयर का पार्ट होता है, मिरर का पार्ट नहीं होता, और ये उससे बाहर लाई करता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहीं पे है, ये उससे बाहर लाई करता है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर एंड दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, और स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन थी कि वो कहते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का तो पार्ट होता है, और उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यस, ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यही एक्सप्लेनेशन हो सकती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएगा मन्नत, क्या नाम है आपका? कार्तिकेय। लिखो असर्शन,
लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया. असर्शन इज लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया. रीजन द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. Speed of light does not change as it enters from one transparent medium to another. एक मिनट पहले लिख लो, पहले लिख लो. हाँ जी, क्या क्या ऑप्शन? एक मिनट सुन लिया, एक मिनट आप एक्सप्लेन करो. चलो ये एक मिनट बता रहा है. हाउ यू कैन से असर्शन इज ट्रू? एक मिनट उसको खड़े क्यों कर. असर्शन आप कह रहे हैं ट्रू है, वो कैसे? एक मिनट, गलत है आपका आंसर, बैठ जाओ. आप बताओ. उसने भी सी ही कहा है. चलो बताओ, एक्सप्लेन करो. ए ट्रू है और आर फॉल्स है, आपने ही कहा है, तो वो सी ऑप्शन ही है. ठीक है, उसका आंसर एक्सप्लेन. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी है. एक मिनट सुनने नहीं दे रहे हो आप, वो उसको सुन ले. चलो तो ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं, बुक वाले क्या कह रहे हैं ये बताओ. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हो? सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. हाँ तो वो ट्रू है. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि लाइट हर मीडियम में सेम डायरेक्शन में नहीं जाती, तो ठीक है, क्योंकि लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेती, बेंड हो जाती है रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग. रीजन क्या था? रीजन क्या लिखा? स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ये गलत है. It changes from one medium to another medium. The reason गलत था. So answer C is correct. True है आपका. ठीक है, चलो उसके बाद next लिखिए assertion. Next assertion लिखो. Next assertion. A convex lens can magnify the printed letters from a book. A convex lens can magnify the printed letters of a book. Reason likho. When object is kept between F and O of convex lens, when object is kept between F and O of convex lens, it is called a magnifying glass. It is called a magnifying glass. Yes, A option, both are correct. और reason उसका assertion का correct explanation भी है. ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अ स्विमिंग पूल हैज सेम डेप्थ व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड. अ स्विमिंग पूल हैज सेम डेप्थ, असर्शन है ये, when seen from outside or inside. Reason
असर्शन लिख लिया आपने, रीजन लिखो. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, चेंज इन डेप्थ टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन. चेंज इन डेप्थ टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन. एक मिनट विषम जो था आप बताओ. यस विषम, assertion is false but the reason is true. Yes, assertion is false but the reason is true. Bisham Jot batao. Assertion is false. Haan bolo. Assertion is false but the reason is true. Assertion is false but reason is true. तो ये कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन है. दिस इज डी ऑप्शन. अब सिंपल एमसीक्यू लिखो. सिंपल एमसीक्यू लिखो. अरे ऑफ लाइट ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अरे ऑफ लाइट ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ travels from air into water, travels from air into water of refractive index 1.3, travels from air into water of refractive index 1.3. Which of the following will not change? Which of the following will not change? Options likhiye. Speed, wavelength, frequency, will not change. Color, frequency. Frequency in mein se ek aisi property hai. It is not a property of the medium. Frequency is a characteristic which is not a property of the medium. ये याद रखना. तो जब भी refraction होगी, bending होगी, speed भी change होगी. What about wavelength? Change होती है कि नहीं? Change नहीं होती. फिर तो आप आपको ये भी बोलना चाहिए. Change होती. कैसे change होती wavelength पे बता सकता है? जब air से water में ही गई suppose रे. तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी. हाँ, इंक्रीज एयर से वाटर डिक्रीज होगी. दिव्यांश आप बोलो. चलो यस. हाँ मैम, डिक्रीज होगी क्योंकि टेंसर है. क्या होगी? डिक्रीज होगी. यस, क्यों होगी? डिक्रीज क्यों होगी मैम? बिकॉज एयर रेयर मीडियम है और जो वाटर है वो थोड़ा डेंसर हो जाएगा एयर से. चलो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ क्यों डिक्रीज होगी. तो नोट कर लो, जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है स्पीड भी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती. और अगर वेवलेंथ चेंज हुई है तो कलर भी चेंज हो सकता है. कलर भी वही वेवलेंथ कम वाला होगा. ठीक है, तो आंसर है इसका फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज. अब वेवलेंथ कैसे चेंज होती है नोट कर लो. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वेवलेंथ कैसे चेंज होगी. नोट इट डाउन. इन एयर, पहले एयर में v is equal to c is equal to lambda nu होगा वेव फॉर्मूला. ये आपने नाइन्थ में पढ़ा था ना वेव फॉर्मूला, वेव इक्वेशन पढ़ा था. v is equal to lambda f, ये उसी को लिख रहे हैं. अच्छा साउंड चैप्टर डिलीट हो गया ना आपका, आप सुन लो. हाँ नहीं था लास्ट ईयर साउंड चैप्टर, चलो सुन लो.
एक वेव होती है उसकी कुछ वेलोसिटी स्पीड है, लैम्डा वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकंड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये इनमें रिलेशनशिप होता है। एयर में लाइट की स्पीड को हम सी लिखते हैं, इसको आप एफ लिखना चाहते हो फ्रीक्वेंसी को तो एफ लिख लो, मैंने न्यू सिंबल यूज किया है, आप एफ ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन वॉटर या इन एनी अदर मीडियम, ठीक है, अब स्पीड चेंज हो गई, वेवलेंथ हम कह रहे हैं चेंज होती है, पर कितनी होती है ये नहीं पता, सपोज लैम्डा डैश, फ्रीक्वेंसी हमने कहा चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट वॉन्ट चेंज। डिवाइडिंग नाउ, What is the ratio of C to V? Speed of light in air to the speed of light in medium. क्या कहते हैं इसको? Refractive index. तो ये mu आ गया आपका. Lambda dash चाहिए वो इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ. तो lambda dash is lambda by mu. Wavelength gets divided by refractive index, so it decreases. Wavelength gets divided by refractive index. So wavelength will decrease when the ray of light will enter a denser medium. Okay, so always remember. अगर water से air में जाती तो 1 over हो जाना ना, फिर increase हो। Speed of light in air है ना, ये speed of light in medium के inversely बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि ये वाटर से एयर में जा रही है, अब एयर में जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हुआ, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे कर लो। और अगर रेयरर से डेंसर में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ तो वेवलेंथ कम हो गई। तो इसका मतलब जब एयर से वाटर में जा रही है रे तो वेवलेंथ विल डिक्रीज, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, a ray of light is incident on the mirror, plane mirror. Normally, a ray of light is incident on a plane mirror. What will happen to it? A ray of light is incident on a mirror normally, perpendicular. What will happen to it? It will retrace its path, go back along the same path. ये हो गया reflection का, है ना, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, नाउ द रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलर, व्हाट विल हैपन टू इट? ये रिफ्रैक्शन है, अब पहले रिफ्लेक्शन थी मिरर से, अब रिफ्रैक्शन है, व्हाट विल हैपन? नो, किसी एंगल पे आएगी तो बेंड होगी, दिव्यांश बोलो आप। मैम जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, मुंह हो जाना व्हाइट, सारा पाउडर लग जाएगा। हाँ दिव्यांश, क्या मैम रिट्रेस हो जाएगी अगर जैसे आई है वैसे? नहीं होगी रिट्रेस, नहीं होगी, मिरर में होगी, इसमें नहीं होगी। हाँ बताओ, एंगल है जीरो हो गया। हाँ फिर हाँ, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, ये तो ठीक है, पर इसका होगा क्या, रे का होगा क्या, ये बताओ। ऐसे यही, ये तो इंसिडेंट है, देखो वापस चली गई, कहाँ चली गई, रे का क्या होगा, सीधे चली गई, यहाँ पे भी तो सीधी है, यहाँ क्या, यहाँ वापस चली जाएगी, वो तो रिट्रेस ही हो गया, ये स्ट्रेट निकल जाएगी। नो बेंडिंग टेक्स प्लेस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज एक ग्लास स्लैब पे पड़ी है रे, तो अगर हमने उसको नॉर्मल रखा है तो वो बेंड नहीं होगी, किसी एंगल पे रखेंगे तो बेंड होगी। So these are two important points. Note these points down.
नोट दीज पॉइंट्स डाउन, ठीक है? इज दैट ओके? इज दैट क्लियर?